भोजपुरी जगत के जाने माने हस्ती पवन सिंह की निजी जीवन हमेशा से चर्चा का केंद्र बनी रही है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि उनका जीवन काफी विवादों में रहा है। सोशल मीडिया पे उनके आए दिन काफी खबरें आते हैं, कभी खेसारी लाल तो कभी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ वाद विवाद के मामले में सामने आते रहे हैं। बात की जाए पवन सिंह की दूसरी शादी की तो वो इन दिनों काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि पवन सिंह अपने दूसरे बीवी ज्योति सिंह से तलाक लेना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आरा के फैमिली कोर्ट में याचिका डाला था। वहीं बात की जाए पत्नी ज्योति सिंह की तो उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पवन सिंह पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया और साथ ही दो बार गर्भपात कराने का भी आरोप मढ़ाया। अपनी आप बीती बताने के साथ ज्योति सिंह ने गुजारा भत्ता लेने की भी मांग रखी है, जिसको ध्यान में रखकर पवन सिंह को बलिया के फैमिली कोर्ट में बुलाया गया, जहां दोनों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। बीते दिनों दोनों को कोर्ट बुलाया गया, पर ज्योति सिंह ने तबीयत खराब का हवाला दिया, वहीं कोर्ट में उन्होंने पेशी नहीं दी। खबरों की माने तो ज्योति सिंह ने बलिया के फैमिली कोर्ट में 22 अप्रैल को अर्जी दी थी, जहां से पवन सिंह को काफ़ी बार नोटिस भेजा गया और उनको बुलाया गया, पर हर बार वह कुछ ना कुछ बहाना देकर नहीं आ पाए। इससे पहले भी कोर्ट के द्वारा पवन सिंह को 3 बार बुलाया गया है, इस बार यह चौथी बार है जब उनको कोर्ट द्वारा नोटिस दिया गया है। बीते महीने पवन सिंह को कोर्ट द्वारा 2 जून 7 जुलाई के साथ 1 अगस्त को नोटिस दिया गया था। अब एक बार फिर कोर्ट ने उनकी पेशी करने के लिए 5 नवंबर की तारीख दी है। बात की जाए पवन सिंह के तरफ से तो अभी तक उनकी तरफ से कोई भी गतिविधि नहीं दिखाई दी है। पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा का एक बेहतरीन अभिनेता माना जाता है, साथ में वह एक संगीतकार गायक भी हैं। ज्योति पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। इससे पहले 2014 में उनकी पहली शादी प्रिया कुमारी से हुई थी, जिनके सुसाइड की खबर से काफ़ी विवाद का मामला बन गया था। पवन सिंह एक तरफ तलाक लेने पर आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बीमारी का हवाला देकर आरा के फैमिली कोर्ट में नहीं आई। दोनों ने कुछ ना कुछ बहाना किया और दिए गए तारीख पर हाजिरी नहीं दी, जिसको देखते हुए कोर्ट ने उनको 5 नवंबर की तारीख वापस दे दी है। दोनों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा है, जहाँ ज्योति के वकील ने मीडिया वाले से बात करते हुए कहा कि उनको ना आने की वजह को लिखित बयान में देना होगा, क्योंकि दोनों ने अदालत में साफ तौर पर कहा था कि उन्हें अब साथ नहीं रहना। दोनों ही तलाक को फाइल कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट से दिए गए हर तारीख पर कुछ ना कुछ बहाना दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5 नवंबर को दोनों कोर्ट जाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।